जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नई सरकार 16 अक्टूबर को शपथ लेगी। अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली निर्वाचित सरकार होगी। उपराज्यपाल यानी LG मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल के नेता उमर को बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। श्रीनगर में शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने की अधिसूचना के साथ नई सरकार के गठन की राह खोली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस, माकपा, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन का पत्र भेजकर उमर को शपथ दिलाने का आग्रह किया था। वहीं उमर अब्दुल्ला ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, उपराज्यपाल की प्रधान सचिव का स्वागत कर प्रसन्नता हुई। मुझे जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1998 में लोकसभा के सदस्य के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया जिनमें केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता के पद शामिल है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला की ये दूसरी पारी होगी। इससे पहले उन्होंने साल 2009 से 2014 तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उमर अब्दुल्ला की शपथ ग्रहण समारोह में कई महत्वपूर्ण नेताओं के शामिल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।